हेलो एवरीवन वेलकम टू प्लस माइनस तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को और ये है पार्ट नंबर एट अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो गो टू प्लेलिस्ट एंड चेक ऑल द पार्ट्स तो ये जो क्लास चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टीजी एंड पीजी टी कम्प्यूटर साइंस स्पेशली फॉर डी ट्रिपल एस बी टी जी साइंस ये क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है तो बढ़ते हैं आगे और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में करवाया था आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की और डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं चाहे वो डी ट्रिपल एस पी टीजेटी हो या वो पीजे हो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और उनका आज हम करते हैं एनालिसिस और देखते हैं किस किस टाइप के आप क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन के साथ और ये पार्ट नंबर वन है इसके आगे भी पार्ट आने वाले हैं ठीक है चीके? तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर तो देखो होता क्या है डेटा आप जानते हो क्या है डेटा क्या होता है डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है डेटा क्या होता है डेटा मतलब यह है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी स्टोर करना चाहते हो तो, तो हमें डेटा होता है वो ठीक है उस डेटा को हमें प्रोसेस करना होता है इन ऑर्डर टू गेट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इंटू द इंफॉर्मेशन ठीक है अब डेटा को हम स्टोर करते हैं सो so दैट जब भी हमें उसे रिट्री करना हो हम उसे रिट्रीव कर सके तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है डेटा स्ट्रक्चर इनेबल ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ प्रॉपर वैनर सो दैट वी कैन बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा डेटाक् ऑर्गेनाइज डेटा है प्लस उसके ऊपर भी हो सकते हैं इंसर्ट करना है डिलीट करना है या उसको मॉडिफाई करना है तो वो ऑपरेशन भी उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज डेटा स्ट्रक्चर अब यहाँ पे हमें एक बात क्या करनी है अगर बात करो और बेसिक ऑपरेशन की जैसे मान लो इंसर्टिंग, डिलीटिंग तो हो गया इसके अलावा सॉर्ट करना है अगर आपको या फिर आपको मर्ज करना है कुछ सर्च करना है या फिर ट्रावर्स करना है सिंपल मान लो हमें एक्सेस करना है हर एक रिकॉर्ड को तो वो भी एक ऑपरेशन है ठीक है तो आपने समझा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है एक डेटा है उसको हमने ऑर्गेनाइज करा हुआ है और उसके ऊपर कुछ अलाउड ऑपरेशन हम लगा सकते हैं ताकि हम उसे इजिली रिट्रीव कर सके ठीक है अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ठीक है जस्ट अ मिनट तो यहां पे अगर हम बात करें कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को तो आप जानते हो जो डेटा स्ट्रक्चर होता है देखो अगर हम बात करें ब्रॉडर वे में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है फर्स्ट वन इज प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर टिव डेटा स्ट्रक्चर प्रिमेटिव का मतलब क्या होता है प्रिमेटिव बोलो या फिर एटॉमिक डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हो इसका मतलब क्या है जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है कांट बी फर्दर डिवाइडेड ठीक है तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें प्रिमेटिव डेटा टाइप की तो यहां पे होते हैं जैसे मान लो इंटीजर हो गया ठीक है इसके अलावा फ्लोट हो गया इसके अलावा डबल कैरेक्टर ठीक है तो ये सारे क्या है आपके प्रिमेटिव या फिर एटॉमिक डेटा स्ट्रक्चर है अब अगर हम बात करें नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर की या फिर नॉन एटॉमिक डेटा स्ट्रक्चर की तो उसमें क्या होता है उसमें हमारे पास यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास होते है जैसे हैं जैसे एरेज है ठीक है आप जानते हो एरेस क्या होता है यूजर डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर इसके अलावा वी हैव लिस्ट और फाइल्स भी कह सकते हैं हम ठीक है अब यहां पे जो लिस्ट है ना लिस्ट उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है लीनियर और नॉन लीनियर तो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए तो अगर हम बात करें लीनियर की ठीक है तो लीनियर के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं यहाँ पे वो आते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो लीनियर के अंदर आएगा वो क्या आएगा जस्ट अ मिनट दिस इज लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट क्या आपकी लीनियर है इसके अलावा स्टैक लीनियर है क्यू लीनियर है ठीक है ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर जिस ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है जो डेटा है वो एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर्ड है ठीक है ऑन द अदर हैंड वी हैव टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें की फर्स्ट है हमारे पास ट्री और सेकंड है ग्राफ तो कई बार इनके टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो ये हमने ब्रॉर्डर में समझ लिया क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर अब हम बात करेंगे यहाँ पे अच्छा इसके अलावा यहाँ पे दो और टाइप है जैसे मान लो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास और क्या है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर तो स्टैटिक नाम से क्लियर है क्या मतलब है स्टैटिक का स्टैटिक का मतलब ये है कि ये वो डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो साइज है और जो मेमोरी लोकेशन उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए एलोकेट करी गई है वो फिक्स्ड है मतलब कंपाइल टाइम पर ही साइज और मेमोरी लोकेशन को फिक्स कर दिया गया है दैट इज स्टैटिक तो इसका पॉपुलर एग्जांपल होता है एरे ठीक है इसके अलावा डायनेमिक होते हैं हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर हम कभी भी चाहें तो जो साइज है उसे एक्सपैंड कर सकते हैं फिर उसे श्रिंक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजर चॉइस ठीक है और जो भी मेमोरी लोकेशन उस डेटा को स्टोर करने के लिए असाइन करी गई है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं तो आपको कमेंट में बताना है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर ठीक है इसको आप कमेंट में बताइएगा तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है आया ट्री से तो ट्री आपको पता क्या है ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है ट्री क्या है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज थर्टी एन एटी थ्री ट्वेंटी ना वट इज द पोस्ट ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रावर्सलब की प्री ऑर्डर आपको गिवन है बी एस टी का बी एस टी मतलब बाइनरी सर्च ट्री है ठीक है प्री ऑर्डर गिवन है और आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा हुआ है अब देखो जो हमारे पास ट्रीज होते हैं ना उन ट्रीज को हम तीन ऑर्डर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ठीक है तो अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूं होता क्या है देखो इन ऑर्डर का मतलब क्या है इन ऑर्डर इन ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करेंगे देन बीच में हम रूट को करेंगे और एंड में हम करेंगे राइट सब ट्री को ट्रावर्स ठीक है लेफ्ट सब ट्री में भी यही चलेगा लेफ्ट रूट राइट और राइट सब ट्री में भी चलेगा लेफ्ट रूट राइट अगर हम बात करें प्री ऑर्डर की ठीक है अगर हम बात करें प्री ऑर्डर की तो यहाँ पर क्या होता है प्री मतलब होता है पहले सबसे पहले हम रूट नोड को एक्सेस करेंगे देन लेफ्ट पे जाएंगे फिर राइट सब ट्री पे जाएंगे इसके अलावा वी हैव पोस्ट ऑर्डर पोस्ट मतलब होता है बाद में तो ये जो प्री है ये जो पोस्ट है ये रूट के रिस्पेक्टिव में होते हैं तो पोस्ट मतलब सबसे एंड में रूट आएगी और यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट ही होता है और उसके बाद राइट right. मतलब लेफ्ट को तो आपको हर केस में राइट right से पहले ही एक्सेस करना होता है ठीक है तो ये हमारे पास थ्री पॉपुलर ऑर्डर होते हैं किसी भी ट्री को ट्रावर्स करने के अब ट्रावर्स का मतलब क्या होता है अगर आपको एक्जैक्टली वन टाइम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसे बोलते हैं क्या ट्रावर्सिंग कह सकते हो आप एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस नॉट मोर देन वंस ठीक है और नॉट लेस देन वंस तो मतलब इसे बोलते हैं ट्रावर्स करना अब हमने समझ लिया कि इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तीन ऑर्डर एग्जाम में लेकिन यहाँ पेट इस इसके बाद आगे बढ़ते है देखो आप लोग बोलते है मैम एक दिन में दो क्लासेस लिया देखो मेरे लिए फिजिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज अलॉन्ग विद मेरे पास जो भी टाइम मिलता है मैं उसे डिवोर्ट कर देती हूँ बट उसके अलावा और भी चीजें हैं जो मेरे साथ चल रही हैं तो मैं एक दिन में एक ही क्लास डाल पा रही हूँ और कई बार शेड्यूल इतना हैक्टिक होता है कि वो एक क्लास भी बहुत मुश्किल से डल पाती है तो प्लीज आप अपनी तैयारी करते रहिए और जब भी आपको क्लास मिले तो उसे अच्छे से यूटिलाइज करिए ठीक है अब देखो यहाँ पे हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है बी का और हमसे पोस्ट ऑर्डर पूछा हुआ है अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है वो ट्रिक उसी समझ में आएगी जिसने अच्छे से बी पढ़ा होगा आप एक चीज का ध्यान रखिए अगर आपको तीन ऑर्डर पता है आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर अगर आपको कोई एक ऑर्डर दिया हुआ है और आपसे कोई दूसरा पूछा हुआ है तो आप नहीं निकाल सकते मतलब कहने का मतलब यह क्या नडर होता है हमारे पास प्री ऑर्डर होता है हमारे पास और पोस्ट होता है अब इनमें से सिर्फ कोई एक दिया हो आपको और कोई दूसरा निकालने को बोला जाए तो आप नहीं निकाल सकते मतलब हमें मिनिमम दो ऑर्डर चाहिए तीसरे वाले को फाइंड आउट करने के लिए तो जनरली होता क्या है आपको इन ऑर्डर दे देते हैं और प्री दे देते हैं और पोस्ट पूछ लेते हैं मतलब इन तो आपको मिलता ही मिलता है बिकॉज विदाउट इन आप प्री और पोस्ट के साथ कुछ भी कर नहीं पाएंगे ठीक है अगर आपको प्री दिया है पोस्ट दिया है और इन नहीं दिया तो वो तो फिर आप एक ट्रिक से भी निकाल सकते हो हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि प्री और पोस्ट दिया और इन पूछ लिया आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको इन ऑर्डर दिया है प्री ऑर्डर दिया है पोस्ट पूछ लिया या फिर आपको इन ऑर्डर दिया है पोस्ट ऑर्डर दिया है और प्री ऑर्डर पूछ लिया तो ये दो ही फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकते हैं अब यहाँ पर आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ है मतलब हमारा जो केस है वो फर्स्ट वाला केस है हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है और पूछा क्या हुआ है पूछा हुआ है पोस्ट ऑर्डर ठीक है फर्स्ट वाला केस है लेकिन यहाँ पे इन ऑर्डर तो दिया ही नहीं है तो जिसको पता होगा कि इन ऑर्डर कैसे निकालोगे बी का वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा लेकिन जिसको नहीं पता वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा या फिर स्किप करेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है जब भी आपको बी दिया हो बाइनरी सर्च ट्री अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है आपको पता होना चाहिए ये वो ट्री होता है जिसके अंदर जो लेफ्ट सब ट्री है वो रूट से क्या होते हैं छोटे होते हैं और जो राइट right सर्ब्री होते हैं वो रूट के इक्वल या फिर रूट से बड़े होते हैं ठीक है तो बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉपर्टी होती है आई होप आपको आता होगा बाइनरी सर्च ट्री अब देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी क्या है ये कि जब भी आपको बी दिया होगा तो उसका जो इन ऑर्डर होगा वो बाय डिफॉल्ट आपको गिवन हो या ना गिवन हो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर ही होता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि अगर हमें इनऑर्डर निकालना हो बीएसटी के अंदर तो आप सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो दैट इज द इनऑर्डर ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे इनऑर्डर भी आपको इनडिरेक्टली गिवन ही है और प्री बी गिवन है नाउ यू कैन इजली फाउंड फाइंड आउट द पोस्ट ऑर्डर तो कैसे निकालोगे तो इसको मैं अपती हूँ अब देखो कैसे करना है इनऑर्डर आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में आप फटाफट लिख लीजिए सारे एलिमेंट्स को तो यहाँ पे सबसे छोटा तो क्या है हमारे पास एट है एट के बाद हमारे पास क्या है फोर्टीन है देन एटीन है देन ट्वेंटी है ट्वेंटी थ्री है देन वी हैव थर्टी एट दैन फोर्टी फाइव देन फिफ्टी सिक्स देन सेवेंटी एंड देन वी हैव एटी टू ठीक है डन इन ऑर्डर मिल गया और साथ में क्या दिया हुआ है आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ था प्री ऑर्डर दिया हुआ है आपको थर्टी एट ठीक है एक बार आप समझ लेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में ट्वेंटी थ्री एटीन ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स फोर्टी फाइव एटी टू और सेवेंटी ठीक है आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन लेंदी है नहीं विद प्रैक्टिस आपको इसे करने में बहुत कम टाइम लगने वाला है अब देखो इन ऑर्डर में आपको बताया था मैंने इन ऑर्डर में क्या होता है भाई इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट आता है फिर रूट आता है और फिर क्या आता है राइट right आता है ठीक है अगर आपने प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीन शॉट लिया आपको होगा इसके बारे में ठीक है अगर हम बात करें प्री ऑर्डर का प्री ऑर्डर में पहले ये आती है रूट आती है फिर लेफ्ट आता है और फिर राइट right आता है ठीक है तो इसका मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर दिया है, इसका मतलब सब सबसे पहले जो एलिमेंट आपको दिखाई देगा वो क्या है रूट ही तो है तो हमें रूट मिल गई अपने ट्री की क्या है थर्टी एट है ठीक है आपको ट्री बनाना है बेसिकली इन दोनों ऑर्डर्स को यूज करके देन यू विल एबल टू फाइंड आउट पोस्ट ऑर्डर ठीक है तो मैं रूट तो मिल गई है क्योंकि प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट को ही ट्रावर्स करते हैं अब आप देखो इन ऑर्डर के अंदर रूट बीच में आती है तो रूट आपकी अगर यहाँ आ रही है यहाँ पे रूट है तो इसका मतलब जो आगे लिखा हुआ है वो सब क्या है आपका लेफ्ट है रूट के इधर और जो यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्डर के अंदर वो क्या है आपका राइट है मतलब ये सब लेफ्ट में आएगा रूट के और ये सब राइट में आएगा रूट के तो अगर मैं रफली बनाऊँ इसको तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा तो मैं रफली इस तरीके से बना सकती हूँ कि लेफ्ट में ये सब आएंगे कौन सा आएगा वो देख लेंगे और राइट right में ये सब आएंगे तो आपको दोनों ऑर्डर का इस्तेमाल करके प्रॉपर ट्री बनाना पड़ेगा अब देखो ध्यान से आगे अब यहाँ पर ये रूट तो पहली हो गई अब अगली रूट क्या होगी हमारी प्री ऑर्डर के अंदर फोर्टीन होगी अगली रूट ठीक है है बिकॉज हर बार रूट ही पहले एक्सेस करी जा रही प्री ऑर्डर के केस में तो थर्टी एट तो हो गया अब अगली रूट क्या होगी तो मतलब 14 बनेगी अगली रूट तो रूटीन बनेगी अगली रूट ठीक है अब फोर्टीन अगर अगली रूट है तो यहाँ पे इन ऑर्डर के अंदर देखो ध्यान से अगर ये हमारी रूट है तो इन ऑर्डर बोलता है रूट के लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में आएगा मतलब ये क्या आएगा आपका एट इधर आ जाएगा और राइट में क्या आएगा एटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री तो राइट में क्या आ जाएगा एटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री ठीक है आपको दोनों ऑर्डर है अब देखो ध्यान से अब नेक्स्ट रूट क्या है है हमारे पास तो हमने एट तो बनाई दिया है नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री है? है तो ट्वेंटी थ्री बनेगी आपकी नेक्स्ट वाली रूट मतलब अगले जो ट्रीज है आगे बनने वाले उनके लिए रूट बनने वाली है तो अगर ट्वेंटी थ्री रूट है ट्वेंटी थ्री थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है अब ट्वेंटी थ्री के आप देखो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है एटीन और ट्वेंटी तो ऑब्वियस सी बात है इसके राइट में कुछ है नहीं तो एटीन और ट्वेंटी ट्वेंटी का आएगा यहीं पर ही आने वाला है ठीक है एटीन और ट्वेंटी है ये अब देखो इसके बाद एटीन तो के अगर रूट ये है तो एटीन के राइट में है ट्वेंटी तो मतलब एटीन के राइट में जाएगा ट्वेंटी तो हमारा लेफ्ट सब्टी तो रेडी हो गया अब बात करते हैं राइट सब्ट्री की तो यहाँ पे ध्यान से देखो नेक्स्ट रूट क्या है ट्वेंटी है तो अगर नेक्स्ट रूट ट्वेंटी बना दिया है इसके बाद नेक्स्ट क्या है फिफ्टी सिक्स है फिफ्टी सिक्स अगर रूट है तो फिफ्टी सिक्स कहाँ यहाँ पे अब रूट के लेफ्ट में क्या है फोर्टी फाइव तो मतलब रूट के लेफ्ट में आना चाहिए फोर्टी फाइव और रूट के राइट right में आना चाहिए या तो सेवेंटी आएगा या तो एटी टू हमें कंफर्म नहीं है हम दोनों को लिख देते हैं ठीक है अब देखो नेक्स्ट बनेगी रूट फोर्टी फाइव हमने बना रखी है रूट ठीक है नेक्स्ट इज एटी टू बनेगी रूट तो 82 बन जाएगी हमारी रूट और रूट के यहाँ पे लेफ्ट में आना चाहिए सेवेंटी इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो मतलब लेफ्ट में आएगा क्या सेवेंटी अब आप इसको अच्छे से प्लॉट कर लीजिए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा रूट हमारे पास क्या है सबसे बड़ी थर्टी एट है इसके बाद फोर्टीन है यहाँ पे ठीक है इसके बाद यहाँ पे फिफ्टी सिक्स है यहाँ पे हमारे पास एट है then we have 23 then we have 18 एटीन 18 ke के यहाँ पे क्या है hai है yahan यहाँ पे क्या है hai फाइव है और यहाँ पे क्या है एटी टू है और यहाँ पे है सेवेंटी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया है ट्री तो अगर आपको ट्री बनाने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके रिवाइंड कर लेना यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ठीक है तो आपको बस ये जो है ना इन ऑर्डर में जो लेफ्ट पहले आता है रूट बीच में और राइट बाद में ये और प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट होती है फिर लेफ्ट और राइट इसको फॉलो करते जाना है ठीक है तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं है? हमें निकालना क्या है पोस्ट ऑर्डर तो पोस्ट ऑर्डर निकालने का सबसे तो जो बेस्ट है वो क्या होता है आपको पता है पोस्ट मतलब होता है बाद में तो आप क्या करो अपने ट्री में ना एरो बनाओ बनाओ इस इस तरीके तरीके से से लाइंस पीछे की साइड ठीक है ऐसे बैक साइड इस तरीके से, से ठीक है अब आपको इसे ट्रावल्स करना है तो स्टार्टिंग करेंगे यहां से लेफ्ट राइट right चलना होता है इस तरीके से चलते जाएंगे ठीक है सबसे पहले हमने इसको एक्सेस किया देखो ध्यान से देखो ठीक है इसके बाद हमने इसे एक्सेस किया चाहो चाहो तो ऐसे आप बना लो एरो इस तरीके से ताकि आपको तो दिक्कत ना है ठीक है जहां जहां आप जाते जा रहे हो वहां वहां पे आपको एरो बनाते जानी है तो ये ऊपर गया पहले फिर ये पूरा घूम के आया इस तरीके से नीचे ठीक है फिर ये यहाँ गया इस तरीके से उसके बाद ये ऐसे गया ऐसे और फिर ये ऐसे जाएगा तो जो आपकी एरो जहां जहां बनती है वो आप लिखते जाओ पोस्ट ऑर्डर है ना इसीलिए आपने इस साइड से बनाई है इसकी एरो बैक साइड से अगर ये होता प्री तो हम इसको इस तरीके से बनाते आगे से ठीक है हमने 38 के बैक साइड से बनाई मतलब पोस्ट मतलब बाद में अगर होता प्री ऑर्डर तो हम 38 के आगे इस तरीके से बनाते ठीक है डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर निकालने को बोला गया है तो अब आपको करना क्या है अब आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर लिख देना है तो जैसे जैसे आपने एरो को छुआ है जो ये बैक साइड ये वाली चीज है जैसे जैसे आपने इसको छुआ है उस उस अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ तो सबसे पहले हमने एट को टच किया है ठीक है मैं यहां पे एक बार डार्क कर देती हूँ इन्हें देखो सबसे पहले हम ट्रावर्स कर रहे थे अपने ट्री को लेफ्ट टू राइट ये ट्रिक होती है पोस्ट ऑर्डर को जल्दी निकालने की ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एट को टच किया तो पहले एट के पास गए उसके बाद हम कहा गए ध्यान से देखो ट्वेंटी के पास गए ठीक है ट्वेंटी के पास गए उसके बाद कहाँ गए एटीन के पास गए अगर आप देखो ऑप्शन को तो आपके दो ऑप्शन के साथ ही दो स्टार्टिंग के एलिमेंट के साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है बिकॉज एट और ट्वेंटी किसी और में नहीं आ रहे हैं एटीन के बाद हम कहा गए देखो जहां जहां पे आपकी एरो जाएगी वहां लिखते जाओ ट्वेंटी थ्री पे गए हैं

पोस्ट ऑर्डर ऐसे ही काम करता है तो जो हमने निकाला है वो हमारा करेक्ट पोस्ट ऑर्डर है ऑप्शन नंबर बी आपसे करेक्ट तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान देना है कि पहले आप दो ऑर्डर इन इन या प्री या इन या पोस्ट इनका इस्तेमाल करके ट्री बनाएंगे और जो आपसे पूछा हुआ है उसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप ऐसे लाइंस बना लो अगर बोलता है पोस्ट तो लाइन बनेगी पीछे की तरफ अगर बोलता है प्री 38 का प्री पूछता तो लाइन्स हम इस तरीके से बनाते और जब हम ट्रावर्स करेंगे जब हमारे जो लाइन है वो जैसे ही सर्कल को टच करेगी हमें उसे काउंट कर लेना है ठीक है तो जैसे ही आप सर्कल को टच करते हुए मूव करोगे आगे की तरफ आपको उसे काउंट करते चलना है आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे एलिमेंट से क्वेश्चन है तो बी एस टी के बारे में आपको बताया था मैंने अभी अभी कि बी एस टी में क्या होता है जो रूट होती है रूट के लेफ्ट सब ट्री में जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं ठीक है एलिमेंट्स जो आएंगे आपके लेफ्ट साइड में वो सारे क्या होंगे रूट इनसे बड़ा होगा मतलब ये रूट से छोटे होंगे और जो एलिमेंट्स राइट right में आएंगे right राइट के अंदर आएंगे रूट के वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो रूट के इक्वल होंगे या फिर रूट से बड़े होंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा ये ठीक है तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट से बड़ी क्या होती है रूट होती है और रूट से बड़े या इक्वल क्या right हो सकते हैं राइट हो सकते हैं राइट वाले एलिमेंट्स इस तरीके से होता है हमारा बीएसटी तो आपको बोला है इसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है एम टी बाइनरी सर्च ट्री में तो मान लेते हैं हमारे पास बीएसटी जो खाली पड़ा है हमें ये एलिमेंट्स उसमें डलवाने हैं तो पहले आया सेवेंटी वन तो हमने सेवेंटी वन को क्या करना है इंसर्ट करना है सेवेंटी वन को हमने इसी ऑर्डर में इंसर्ट किया अब क्या है फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी सिक्स क्या इससे छोटा है तो इसे हम कहाँ डालेंगे? लेफ्ट में डाल देंगे ठीक है जो रूट से छोटे हैं वो लेफ्ट में आते जाएंगे इसके बाद 48 एट आया फोर्टी एट कहाँ पे आएगा 48 एट देखो रूट से छोटा है और इससे भी छोटा है मतलब इसके भी लेफ्ट में ही आएगा ठीक है इसके बाद क्या है 96, सिक्स तो तो रूट से ही बड़ा है मतलब डायरेक्टली वो यहां से यहां आ जाएगा इसके बाद हमारे पास सेवेंटी सिक्स है सेवेंटी सिक्स भी हमारे रूट से बड़ा है ठीक है रूट से बड़ा है लेकिन रूट से बड़ा तो है लेकिन नाइनटी सिक्स से छोटा है तो मतलब इधर आएगा कहाँ आएगा इधर आएगा क्या सेवेंटी सिक्स क्योंकि नाइनटी सिक्स से छोटा है सेवेंटी सिक्स इसके बाद एटी टू एटी टू हमारे रूट से तो बड़ा है लेकिन वो राइट में जाएगा फिर कहा जाएगा 96 के राइट में तो आई नहीं सकता बिकॉज 96 के राइट में 96 से बड़े वाले आएंगे तो मतलब जो 82 है वो कहा आएगा 76 के राइट में आएगा ठीक है इसके बाद 98 98 एट यहाँ आ सकता है 96 के इधर आ सकता है ना तो आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपको ट्री बनाना है BST और बताना है लोएस्ट लेवल पे कौन सा एलिमेंट है तो ये होता है लेवल जीरो ये होता है लेवल वन ये होता है लेवल टू और ये होता है लेवल थ्री तो इसका मतलब लास्ट लेवल पे हमारा कौन सा एलिमेंट है 82 तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट तो बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कंसीडर अ मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय द एरे 400 300 200 100 150 160 170 80 एंड 40 वट विल बी द न्यू हीप आफ्टर इंसर्शन ऑफ थ्री फिफ्टी यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है हीप से ठीक है हीप होता क्या है आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए देखो हीप का मतलब क्या है हीप बेसिकली आपने हीप शॉट भी देखा होगा तो हीप है क्या हीप बेसिकली होता है कम्प्लीट बाइनरी ट्री तो हीप बनाने के लिए आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री से हम बोलते हैं सीबीटी ये होना चाहिए तो कोई भी ट्री हीप जब बनता है जब वो सीबीटी स्टैंड मतलब ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर सारे लेवल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं लेकिन जो लास्ट लेवल होता है अगर वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो पा रहा है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट लेफ्ट साइड से तो कंप्लीटली फिल्ड रहे जब भी एलिमेंट्स एड करेंगे तो लेफ्ट साइड से फिल करेंगे तो अगर लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल नहीं है तो भी लेफ्ट जितने हो सके उतना एलिमेंट्स आपको डलवाने हैं लेफ्ट साइड से उसे फुल करते चलना है ठीक है तो ये होता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री अब यहां बोला क्या है कि दो टाइप के होते हैं आपके हीप एक होता है मैक्स हीप एक होता है मिन हीप ठीक है एक मिनट एक हमारे पास होता है मैक्स हीप दो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली दो ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है हीप में एक होता है मिन हीप तो फर्क क्या होता है मैक्स और मिनहिप में इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है देखो ध्यान से है ना तो फर्क क्या होता है मैक्सीप और मिनह हीप में देखो मैक्सिप का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ट्री है उसके अंदर क्या होगा जितने भी नोड्स होंगे उन नोड्स के अंदर क्या होगा कि जो उन नोड्स की वैल्यू होगी वो उनके चिल्ड्रन से क्या होगी हमेशा बड़ी होगी ठीक है अगर हम बात करें मैक्स हीप की जिसे मान लेते हैं हमारे पास ये मैक्स हीप है एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दिस इज दिस थ्री एंड दिस इज सिक्स तो ध्यान से देखो यहाँ पे थ्री और सिक्स दोनों से बड़ा क्या है सेवन है ठीक है अगर मैं इसको ऐसे लिख देती मान लो मैं ऐसे लिख देती सेवन सिक्स और थ्री तो अभी भी ये मैक्स हीप ही है यहाँ पे बी को फॉलो नहीं करना है कि लेफ्ट वाला रूट से छोटा हो राइट वाला रूट से बड़ा हो ये यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है हमें ये देखना है कि पहले वो सी होना चाहिए और अगर वो सी है तो वो कौन सा वाला हीप है मैक्स हीप है या मिन हीप है मतलब अगर वो मैक्स हीप की कैटेगरी में आएगा तो मैक्स हीप में क्या बोलता है कि जो भी वैल्यू किसी नोड पे स्टोर्ड है वो उसके चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए मतलब जो भी रूट की वैल्यू है वो चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए मैक्स के केस में अगर हम बात करें मिन हीप की तो जो रूट की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए चाइल्ड से तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ मिन हीप तो कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है देखो ध्यान से रूट की वैल्यू उसके चाइल्ड से क्या है छोटी है तो ये मिन हीप का एग्जाम्पल है अच्छा अगर मैं ये बना दूं लेट सपोज मैंने इस तरीके से बना दिया तो आप बताओ ये मिन हीप है या फिर हीप है तो देखो जो ये हमारे पास बन के आया है ये हमारे पास क्या है मिन हीप है लेकिन ये हीप नहीं बन सकता है ना क्योंकि हीप बनने के लिए क्या होना चाहिए था इस रूट वैल्यू को इन दोनों से बड़ा होना चाहिए था तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि मैक्स ही बनाना है और इन एलिमेंट्स को आपको इंसर्ट करवाना है और इन एलिमेंट्स मतलब बेसिकली एलिमेंट्स तो इंसर्टेड ही है इसके बाद आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है थ्री फिफ्टी तो उसके इंसर्ट करने के बाद क्या न्यू ही बन के आएगा बिकॉज जब भी आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो आपको ध्यान देना होता है कि ये जो ऑर्डर है कि रूट चाइल्ड से बड़ा है या फिर रूट चाइल्ड से छोटा है ये आपका डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए ठीक है इसको मेंटेन करना पड़ता है मैक्सिप और मिनिप के अकॉर्डिंग तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं देखो यहाँ पे आपको मैक्सिप बनाना है तो हमने यहाँ पर पहला एलिमेंट डलवाया फोर ठीक है आपको सीबीटी को फॉलो करना है मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री बनना चाहिए तो 400 अब इसके बाद यहाँ पे आएगा 300 है ना यहाँ पे आएगा 200. सीबीटी मतलब सारे लेवल्स आपके फिल होने चाहिए इसके बाद यहाँ पे आएगा हंड्रेड ठीक है यहां पे आएगा वन फिफ्टी नेक्स्ट वी हैव वन सिक्सटी जस्ट अ मिनट हम्म नेक्स्ट वी हैव वन सिक्सटी इसके बाद हमारे पास है वन सेवेंटी नेक्स्ट इज एटी एंड नेक्स्ट इज फोर्टी तो अभी आप ध्यान से देखो क्या ये मैक्प है बिल्कुल ये मैक्प है बिकॉज़ सारे चाइल्ड है वो छोटे हैं उनके रूट नोट से तो मतलब ये मैक्सीप तो है लेकिन जैसे ही हम 350 को इंसर्ट करेंगे तो 350 फिफ्टी कहाँ होगा यहाँ इंसर्ट होगा बिकॉज हमें सीबीटी फॉलो करना है सीबीटी में आपको एज लेफ्ट एज पॉसिबल एलिमेंट्स को डालना होता है तो लास्ट लेवल सीबीटी में अक्सर फिल नहीं हो पाता तो हम ट्राई करते हैं कि लेफ्ट साइड जितना हो सके लेफ्ट पॉसिबल जितना हो सके उतने एलिमेंट्स ऐड करने हैं थ्री फिफ्टी जैसे हमने ऐड किया अब मुझे बताओ क्या ये आपका मैक्सिप है तो नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे जो चाइल्ड है ये जो चाइल्ड है ये इस रूट से बड़ा हो गया जबकि ये होना नहीं चाहिए मैक्स हीप में क्या होना चाहिए मैक्स हीप के अंदर जो रूट है वो चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए जो रूट की वैल्यू है वो चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ तो अब क्या होगा अब हमें ऐसा बनाना पड़ेगा तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इंटरचेंजेस करने होंगे तो अब क्या करेंगे हम यहां पे कर देंगे वन फिफ्टी और यहाँ कर देंगे थ्री फिफ्टी इस स्टेप को बोलते हैं हिप्पी फाई क्या बोलते हैं हिप्पीफाई जब आप अच्छे से पढ़ेंगे हिपसॉट तो आप जरूर से इसको समझेंगे होता क्या है ठीक है अब देखो 350 हमने यहाँ रख दिया 150 हमने यहाँ कर दिया क्या अब ये बैलेंस्ड है क्या अब ये हिप हिप है मैक है मैक्स तो अभी भी नहीं है क्योंकि अभी भी हमारा जो ये वाला रूट है वो इससे बड़ा है तो मतलब ये हट जाएगा थ्री फिफ्टी यहाँ आ जाएगा और थ्री हंड्रेड इसकी जगह आ जाएगा ठीक है तो क्या अब ये आपका मैक्स हिप है तो बिल्कुल ही अब है देखो फोर हंड्रेड थ्री फिफ्टी टू हंड्रेड फिर हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन सिक्सटी मतलब अब क्या है सारे रूट बड़े हैं अपने चाइल्ड से तो अब आपको कुछ नहीं करना बस आपको जो ऑर्डर बन के आया है वो लिख देना है आपको तो आपको ऐसे लेफ्ट टू राइट अपने ऑर्डर को लिखना है कैसे लिखोगे देखो पहला आएगा फोर हंड्रेड देन थ्री फिफ्टी टू हंड्रेड लेवल बाय लेवल हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन सिक्सटी वन सेवेंटी एट्टी फोर्टी वन फिफ्टी 150. तो आपको लेवल बाय लेवल सारे एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट लिख देना है दैट द न्यू ऑर्डर ऑफ द हीप. तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या है हमारे, हम हमारे थ्री ठीक है? है तो लेवल जीरो पे फोर हंड्रेड था लेवल वन पे क्या है थ्री फिफ्टी लेफ्ट में है राइट right में क्या है टू हंड्रेड लेवल टू पे क्या है हंड्रेड देन वी हैव थ्री हंड्रेड देन वी और लेवल थर्ड पे क्या है 80 है 40 है और 150 है तो ये हमारे पास क्या आ गया नया हीप आ गया आफ्टर द इंसर्शन ऑफ 350 तो इसका मतलब ऑप्शन मैच कर लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोलूटली करेक्ट ठीक है 400 350 200 फिफ्टी टू हंड्रेड हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन सिक्सटी एंड 150. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सबके लिए अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं फॉर डी ट्रिपल एस पी कंप्यूटर साइंस तो प्लस माइनस -कॉम पे जाके आप डेफिनेटली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप एक बार वहां जाइए और टू हंड्रेड मार्क्स के फुल फ्लेज मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि क्या आपकी परफॉर्मेंस रहती है और उसके ऊपर आप और कितना काम कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको और मॉक टेस्ट एक्सेस करने हैं तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप काफी सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो वेबसाइट पे जाके तो यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आप अभी यूज करते हो इस कोड को दैट इज प्लस टेन तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे भी व्हाट्सऐप करके पूछ सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट इज वट इज द of इन फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, है ये है स्टैक का क्वेश्चन जब भी आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट या फिर इवेल्युएट करने का क्वेश्चन मिलता है तो वो स्टैक से आता है अब स्टैक क्या होता है स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है और यहाँ पर हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट इज पुश ऑपरेशन जिसकी हेल्प से हम डेटा को इंसर्शन कराते हैं डेटा को इंसर्ट करवाते हैं नेक्स्ट इज पॉप ऑपरेशन जिसकी हेल्प से हम डेटा को डिलीट करवाते हैं तो कहाँ से करवाते हैं इंसर्ट और डिलीट हमेशा टॉप से होता है इंसर्ट और टॉप से होता है डिलीट तो टॉप इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंटर जैसे मान लो हमने यहाँ पर ए इंसर्ट किया पहले फिर बी फिर सी और एंड में किया डी तो जो हमने सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट किया था वो सबसे एंड में ही बाहर निकलता है तो जैसे जैसे आप एलिमेंट्स डालते जाओगे टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी तो टॉप इज बेसिकली पॉइंटर विच इज शोइंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक तो यहाँ पे इसलिए इस स्टैक को हम बोलते हैं क्या पुश डाउन लिस्ट कि हमें नीचे नीचे क्या करना है पुश करते चले जाना है इसका एक और नाम होता है पुश डाउन लिस्ट और ये दो फैशन में काम करता है या तो आप बोलोगे ऐसे लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा या फिर इसे आप बोल सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा इस तरीके से ठीक है अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में बोला है इनफिक्स से सॉरी आपको बोला है इनफिक्स आपको निकालना है पोस्टफिक्स आपको गिवन है तो हम बात करते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन होता कैसा है तो जिसमें ऑपरेंड्स होते हैं और बीच में होता है ऑपरेटर उसे बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन अगर हम बात करें पोस्टफिक्स की तो इसमें क्या होता है पोस्ट मतलब बाद में पहले आएंगे ऑपरेंड्स बाद में आएगा ऑपरेटर एक होता है प्रीफिक्स इसमें क्या होता है प्रीफिक्स के अंदर प्री मतलब पहले तो पहले आएगा ऑपरेटर बाद में आएंगे ऑपरेंट्स तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पोस्ट फिक्स दिया हुआ है आपको इनफिक्स निकालना है अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान क्या देना है आपको देखो आपको यहाँ पे वैसे प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस ऑर्डर भी पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन तो यहाँ पे ध्यान से देखो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है आपको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी बोलो या फिर प्रेसिडेंस बोलो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट्स की ठीक है ब्रैकेट्स के बाद नंबर आता है हमारे एक्सपोनेंट का दिस इज एक्सपोनेंसिएशन भी कहते हैं ऐसे हम एक्सपोनेंसिएशन। इसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडल का इसके बाद प्लस और माइनस का ठीक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडल इन सब की सेम होती है तो ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं सिमिलरली प्लस और माइनस की सेम होती है तो ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं ठीक है थीके? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से कम से कम टाइम में कर सकते हैं तो यहाँ पे टेक द स्क्रीन शॉट ठीक है इस क्वेश्चन को हम स्टैक से भी कर सकते हैं बट स्टैक से बहुत लंबा हो जाएगा कॉम्पिटिशन के लिए आप स्टैक का इस्तेमाल ना करके शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो ठीक है तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो हमारे पास क्या है ये एक्सप्रेशन दैट इज पोस्ट फिक्स है हमें इनफिक्स में लेके आना है तो करना क्या है आपको ध्यान से देखो बस कैसे करना है उसी को आप प्रैक्टिस कर लो एक दो बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखो आपको यहाँ पे जब पोस्ट फिक्स दिया होता है और इनफिक्स निकालना होता है पोस्ट फिक्स दिया हुआ है और इनफिक्स निकालना है तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ ध्यान से देखते जाओ राइट से लेफ्ट की तरफ और जैसे ही आपको किसी दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू और यहाँ पे ऑपरेटर मिल जाए दो ऑपरेंड के बाद जैसे ही एक ऑपरेटर मिल जाए तो आपको क्या करना है उस वाले ऑपरेटर को उठा के बीच में लेके आ जाना है तो बन जाएगा है ना तो हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट right से लेफ्ट की तरफ ट्रावर्स करना है और जैसे ही हमें दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर मिल जाता है तो हमें उस वाले ऑपरेटर को बीच में लेके आना होता है बस यही करना होता है यहाँ पे हमें तो देखो यहाँ पे हम जैसे ही जा रहे हैं लेफ्ट से राइट right. तो देखो हमें यहाँ करना क्या होता है जैसे हम इस वाले एक्सप्रेशन में राइट right से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आपको देखना क्या है अगर आपके पास दो ऑपरेंड है ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू और इनके बाद कोई ऑपरेटर है तो आपको उस ऑपरेटर को इन दोनों के बीच में लेके आना है मतलब आपको इनफिक्स बनाना है पोस्ट फिक्स से तो देखते हैं मी चेंज द कलर कन्वर्ट करते हैं इसे कैसे बनेगा देखो ध्यान से तो यहां पर हम चलते हैं राइट से लेफ्ट तो दिस इज ऑपरेटर 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 ये मिल गए हमारे पास दो ऑपरेंड ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर तो कन्वर्ट कर देंगे एस बीच में लिया है हम डिवाइड को टी ठीक है ये इज चल रहे हैं प्लस मल्टीप्लाई और माइनस ठीक है इसके बाद आर क्यू डिवाइड पी स्टार प्लस अब देखो यहां पे ध्यान से देखो एन एक ऑपरेंड है ओ एक ऑपरेंड है ये मिल गया ऑपरेटर तो यहां पर भी बन जाएगा एन प्लस ओ इस तरीके से ये एम चलाओ इस तरीके से ये हो जाएगा स्टार पी डिवाइड क्यू और आर ठीक है दोबारा से नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे राइट से लेफ्ट और वही काम करना है जैसे ही आपको दो ऑपरेंड के बाद मिलता है ऑपरेटर तो उसे बीच में लेके आ जाओ ठीक है तो यहाँ पे ध्यान से देखो अब देखो ये हमारे पास पहला ऑपरेंड ये हमारे पास दूसरा ऑपरेंड और ये रहा ऑपरेटर ठीक है तो लिया हो इसे आर प्लस एस डिवाइड बाई टी और ये इन दोनों के बीच में प्लस आ गया है यहां पर मल्टीप्लाई एज इट इज माइनस एज इट इज आगे चलो यहां पर Q डिवाइड पी अब देखो यहाँ पर पहला ऑपरेंड दूसरा ऑपरेंड और ये रहा ऑपरेटर तो कर दो इसे M स्टार एन प्लस ओ इस तरीके से ठीक है दोबारा हम जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे ये हमारे पास पहला ऑपरेंड ये दूसरा और ये ऑपरेटर तो Q स्टार R प्लस एस डिवाइड बाई टी ये इतना था हमारे पास एक और ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे ये माइनस एज इट इज और सेम यहाँ पर ये बन गया पहला ऑपरेंड ये बन गया दूसरा ऑपरेंड और ये रहा ऑपरेटर ये क्या बन जाएगा एम स्टार एन प्लस ओ और ये हो जाएगा डिवाइड P और यहां माइनस चल रहा है अब जब लास्ट टाइम करोगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा एम स्टार एन प्लस ओ ठीक है माइनस और यहाँ आ जाएगा q स्टार प्लस एस टी। और एक और ब्रैकेट इसका मतलब ये हमारे पास डिजायर्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन आ गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसको ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके कर लेना आपको आ जाएगा ठीक है और इस पर बेस्ड बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना करना क्या था बस जब भी पोस्ट फिक्स दिया हो और इनफिक्स निकालना हो तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे जैसे ही दो ऑपरेंट के पास कोई ऑपरेटर आएगा तो उस ऑपरेटर को दो ऑपरेंट के बीच में लेके आना है ठीक है नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट इज अ डैश डेटा स्ट्रक्चर तो अगर आपने वो चार्ट समझा होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे लिंक लिस्ट इज अ इमेजिनरी नो ये तो गलत है लीनियर सही है वर्चुअल गलत है और नॉन लीनियर तो ये होता ही नहीं है यहाँ पे बस दो ही पढ़े हमने ट्रीज और ग्राफ इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग तो इनमें से बोला गया है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं ध्यान से देखो स्टैक लिंक लिस्ट और ट्री दिया हुआ है तो लिंक लिस्ट क्या है आपका Linear होता है अगर आपको अच्छे से ही पता है तो आप कभी गलती नहीं करोगे स्टैक भी क्या होता है लीनियर होता है लेकिन जो ट्री है वो कैसा होता है नॉन लीनियर इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट नंबर थर्ड हमारी ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ओनली थर्ड इज ट्रू इज द राइट आंसर ठीक है तो नॉन लीनियर यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है हमें ट्री ही दे रखा है नेक्स्ट इज मैक्स हिप रिप्रेजेंटेड बाय द एरे इफ अ वेल्यू ट्वेंटीप देस हिप तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हो मैंने आपको एक करवा दिया है इस क्वेश्चन को आप करिएगा और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है यहाँ पे ये वाला आपका आंसर बनने वाला है तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो और अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली वहां पे पोस्ट कर सकते हो अपने आंसर्स को को अपने डाउट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ठीक है तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैक्स हीप का उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है नेक्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर बाइनरी थ्री ट्रावर्सल तो मैंने आप आपको आज ही पढ़ाया है पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं पोस्ट का मतलब क्या है बाद में तो मतलब यहाँ पे नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट के लिए तो पहले लेफ्ट सबट्री ट्री फिर राइट सबट्री ट्री एंड में क्या होती है रूट को हम करते हैं एक्सेस तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल सॉर्ट क्विक सॉर्ट हीप सॉर्ट मर्ज सॉर्ट या फिर सिलेक्शन सॉर्ट तो स्टेबल सॉर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है जैसे मान लो हमारे पास अगर कोई ये वाली स्ट्रिंग है लेट सपोज ट्वेंटी थर्टीन वन 12 19 31 12 और 6 लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है इसे हमें सॉर्ट करना है अब यहाँ पर एक बार आपका 12 यहाँ आ रहा है एक बार 12 यहाँ आ रहा है अगर सॉर्टिंग के बाद भी जो पहले वाला 12 है वो आगे आना चाहिए इस वाले 12 से अगर इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो तो ये स्टेबल सॉर्ट कहलाता है लेकिन अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है मतलब जो पहले ट्वेल्थ था वो बाद में आ गया जो बाद का सॉर्ट तो नहीं माना जाता तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही स्टेबल सॉर्ट दिया merge sort. Merge sort ठीक है अब इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है और इनके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से देखो इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब क्या है ये वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है जिसके अंदर जो डेटा है जो आपको सॉर्ट करना है वो सारा का सारा डेटा आप एक साथ रैम के अंदर प्लेस कर सकते हो ठीक है मतलब जो आपका इंटरनल सॉर्टिंग है उसके अंदर रैम में आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर सारा डेटा एक साथ आ सकता है और उस पर आप सॉर्टिंग लगा सकते हो मतलब यहां पे जो डेटा है वो स्मॉल इनफ होता है ताकि वो मेन मेमोरी के अंदर होल्ड करा जा सके तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इंटरनल सॉर्टिंग की तो वो होते हैं इंसर्शन सॉर्ट ठीक है sort, इसके अलावा सिलेक्शन सॉर्ट देन क्विक सॉर्ट रेडिक्स सॉर्ट बबल सॉर्ट ये सब एग्जाम्पल होते हैं अगर हम बात करें एक्सटर्नल सॉर्ट की तो मतलब एक्सटर्नली हमें कुछ चाहिए होता है तो एक्सटर्नल सॉर्ट हमें रिक्वायर जब होती है जब हमारे पास जो डेटा है जो सॉर्ट करना है वो बहुत ही बड़ा डेटा है जो कि रैम में नहीं आ पा रहा है तो इसके लिए हमें हार्ड डिस्क मतलब स्लोअर एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस की जरूरत पड़ती है तो एक्सटर्नल जो सॉर्टिंग होती है हमारी होती है मर्ज सॉर्ट मर्ज सॉर्ट तो ध्यान देना मर्ज सॉर्ट आपका स्टेबल है और एक्सटर्नल सॉर्टिंग भी होता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेक्स्ट इज विच रोटेशन इन एवियल ट्रीज आर नोन एज सिंगल रोटेशन तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है एवियल ट्री से अब एवियल ट्री क्या होता है आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए तो देखो जो एवियल ट्री होता है उसे हम बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री इसकी फुल फॉर्म तो कोई नहीं पूछता बिकॉज जिसने डेवलप किया था एवियल ट्री उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है एवियल की फुल फॉर्म इसे हम बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री तो इसे क्यों बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री इसमें बेसिकली होता क्या है जो हमारी लेफ्ट सब ट्री की हाइट होती है और जो राइट सब ट्री की हाइट होती है जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, है वो सिर्फ एक मतलब वन से ही आपके डिफर कर सकती है सब राइट सब ट्री के साथ ठीक है एट मोस्ट वन से आपके डिफर कर सकती है राइट सब ट्री के साथ इसका मतलब क्या यहाँ पे हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं और जो बैलेंस फैक्टर निकलता है एव ट्री का बैलेंस फैक्टर जो निकलता है एवीएल ट्री के अंदर वो निकलता है हाइट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री ठीक है राइट सब ट्री ये होता है फॉर्मुला ऑफ कैलकुलेटिंग बैलेंस फैक्टर फॉर ट्री ठीक है और यहाँ पे जो अलाउड बैलेंस फैक्टर होते हैं वो होते हैं बैलेंस फैक्टर मैं लिख दिया यहाँ पे या तो होगा जीरो या तो होगा वन या तो होगा माइनस वन अब अगर हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो किसी भी नोड के लिए जीरो वन और माइनस वन नहीं आ रहा है तो हमें वहां पर रोटेशंस लगानी पड़ती है ताकि हमारा बैलेंस फैक्टर मेंटेन रहे तो रोटेशन हमारे पास चार होती है एल एल रोटेशंस आर आर रोटेशन एल आर रोटेशन एंड आर एल रोटेशन दिस इज लेफ्ट लेफ्ट ठीक है लेफ्ट लेफ्ट दिस इज राइट राइट आपको इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है यहां से भी क्वेश्चन देखा गया आप देख पा रहे हो दिस इज लेफ्ट राइट और लास्ट क्या है राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट ठीक है तो बोला क्या है कि इनमें से कौन सी एवियल रोटेशन जो है एवियल ट्री रोटेशन जो है वो सिंगल रोटेशन मानी जाती है तो यहाँ पर एल और आर होते हैं सिंगल जबकि जो एल है उसके अंदर क्या होता है पहले हम एल से क्या बना लेते हैं एल बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं सिमिलरली आर में क्या होता है पहले इसे बनाते हैं आर और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो होती है दो दो रोटेशन और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रोटेशन ही होती है इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एल एल एंड आर 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 दिंगल रोटेशन ये बिल्कुल ठीक आपका ऑप्शन है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिश नोटेशन ऑफ द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन तो यहां पे आपको इनफिक्स दिया हुआ है इस बार और आपसे बोला, बोला हुआ है कि आपको पॉलिश नोटेशन निकालने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिश नोटेशन को ही हम बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन और रिवर्स पॉलिश को हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश को हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन तो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है तो आपको पॉलिश या रिवर्स पॉलिश दे देंगे तो यहाँ पे आपको इनफिक्स से आना है किसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने और ब्रैकेट्स के अंदर भी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी सेकेंड प्रायोरिटी इसकी होगी थर्ड प्रायोरिटी होगी यहाँ पे इस वाले मल्टीप्लाई की फोर्थ इसकी होगी और फिफ्थ किसकी होगी इसकी होगी तो मैं आपको फटाफट इसको सॉल्व करवा देती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास है ए क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स की पहली प्रायोरिटी होगी और ब्रैकेट्स के अंदर भी जो ऑपरेटर्स लगे हैं उनकी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस चार्ट ही आपको लगानी पड़ेगी तो मैंने यहाँ बोला है कि ये होगा नंबर वन पे ये नंबर टू पे ये नंबर थ्री पे बिकॉज स्टार की माइनस से ज़्यादा होती है और ये नंबर 5 पे तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है इनफिक्स से आना है प्रीफिक्स के अंदर और प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है पहले आता है ऑपरेटर बाद में आते हैं ऑपरेंड्स तो यहाँ पे a b अगर हम लगाते हैं तो ये बन जाएगा स्टार पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा ab ठीक है इस तरीके से अब यहाँ प्लस c था तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर ये यह वाला बन गया एक ऑपरेंड ये बन गया दूसरा ऑपरेंड बीच में लगा हुआ है हमारा ऑपरेटर तो क्या हो जाएगा ऑपरेटर आगे आ जाएगा ये हो जाएगा स्टार ए बी और ये हो जाएगा सी ये हो गया हमारे पास सॉल्व पूरा इसके बाद यहाँ देख लेते हैं ये वाला क्या हो जाएगा दिस विल बिकम ये हो जाएगा स्टार एफ जी ठीक है और यहाँ पे है E और माइनस तो कुछ नहीं करना आपको माइनस आगे लेके आ जाना है यहाँ तो डिवाइड चल ही रहा है और ये हो जाएगा आपका स्टार एफ जी हमेशा आपको बस प्रीफिक्स के अंदर क्या करना है जो ऑपरेटर है उसको आगे की तरफ लेके आना है अब यहाँ पे ये हो गया पहला वाला ऑपरेंड उप्रे, दूसरा ऑपरेंड और ये रहा ऑपरेटर तो ऑपरेटर को आगे की तरफ लेके आओ ऑपरेटर आगे आ गया, आ गया और बाकी एज इट इज आपके ऑपरेंड आ जाएंगे ठीक है आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वही आपका आंसर बनने वाला है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है क्या E तो क्स्ट बढ़ते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोविंग कैन बी द वैलिड बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इन एन एरियल ट्री तो मैंने आपको अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन की यहाँ पे जो एवियल ट्री होता है जैसे हम बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री उसके अंदर जो बैलेंस फैक्टर होता है वो हम निकालते हैं हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री और यहाँ पे जो बैलेंस फैक्टर है उसके जो वैलिड वैल्यू है वो होनी चाहिए जीरो वन या फिर माइनस वन इसके अलावा कोई वैल्यू अलाउड नहीं होती है तो यहाँ पे वन दिया हुआ है इसका मतलब यही इसका आंसर है बिकॉज टू थ्री फोर आपके रॉन्ग है तो वन आपका इसमें से वैलिड हो सकता है और जीरो और माइनस वन भी हो सकता है इसके अलावा कोई और वैल्यू बैलेंस फैक्टर के अलाउड नहीं होती है तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको आज की क्लास का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होंगे अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगी और हम बहुत सारे कंसेप्ट आगे भी सीखते रहेंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू